तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपका? इंडियन बॉय लॉस्ट इन नेपाल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो आज की वीडियो पे में हमने रिएक्शन देनी है वो देख लेते हैं कि कौन सी है। बाकी मैं आपको एक बात कह दूं कि हमारी दाढ़ी फिर से आने लग गई, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। ये वैसे बताने की ज़रूरत नहीं थी पर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके साथ नहीं शेयर करूँगा तो और किसके साथ शेयर करूँगा। तो यू मी कहते हैं, यू मी है या यू मी है नाम। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम। देखा है इंग्लिश मेरी ऐसे ही है। यू मी कहते हैं, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, कैन यू प्लीज रिएक्ट ऑन अलीशा पुनमगर टिकटॉक। तो देखते हैं अलीशा जी की टिकटॉक कौन है अलीशा, पता चल जाएगा आज इस वीडियो में हमें। क्यों लोग इतना कहते हैं बार बार अलीशा 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 अलीशा। तो देख लेते हैं इस वीडियो को, हर बाद में करेंगे हमेशा की तरह बातें। तो गाइस 1 2 3 और आज हेडफोन लगा ले हम, गरीबों वाले ये वाले कोई नहीं, इससे काम चल जाएगा हमारा। तो देखते हैं वीडियो को प्ले। हमको क्या लेना है तुमसे, ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। ओ आंख मारी उन्होंने। आसमान में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। मैं तो मर जाना है ना जो मिल। क्यूट है यार। प्यार तो रहने दे, तेरे कहने यार कितना अच्छा सॉन्ग था। मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। सब मेरा हो गया यार। इश्क वाला ये बड़े सारे में जैसे डल्ली डल्ली गाना मैंने सुना हुआ है। ये गाना मेरी माया कनक राखो मेरी माया गल्ली गल्ली। यू ऑलरेडी नो आई वांना लव यू लव यू यू ऑलरेडी नो मुखिया को कान छोरो मेरे जल्ले पाए उल्ले मलाई भेट न कहाँ पाउँछा। कसको भाग्य खुल्ने हो मोहनीमा भुल्ने हो, कसको भाग्य खुल्ने हो। You already know I wanna love you, love you. You already know. यार बड़ा ही फील आता है अंदर से सुन के। ओ भाई साहब क्या था यार, इतना मतलब अच्छा। मैंने यार सच बता रहा हूँ, मुझे ना टिकटॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं क्योंकि एक बार मैंने खुद बनाने की कोशिश की, चली रही थी तो यलगार गाने के बाद हमने टिकटॉक बंद ही कर दी थी। पर अलीशा जी, इनको देख के ऐसा लगता है कि जो टिकटॉक वालों ने इंडिया में बैन किया हुआ है ना, वो इनको देख के कहेंगे कि ऐसे लोग हमें और मिलेंगे अलीशा जी की तरह तो टिकटॉक चलाते हैं यार। और मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था अलीशा जी को। पर यार वो तो एक्ट्रेस होती है ना, एक तो होता है बंदा मॉडल, ठीक है, दूसरा होता है एक्टिंग स्किल होते हैं, तो एक्सप्रेशन होते हैं, वो सारे के सारे इन अलीशा जी में थे सारे गुण। और
हम तो भाई साहब वो जो आया नहीं था, तेरे बिन मैं कैसे जिया, वो वाला आतिफ असलम वाला जो कौन, और आतिफ असलम का मिक्सचर था ना, और उन्होंने एक्टिंग की थी, पहले खुश थे जैसे वो पहले खुश थे, फिर भी आवाज़ नहीं ठीक हुई मेरी, तो बाद में वो एकदम से सैड हो गए यार। ये बातें ना, बातें ये कभी ना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तो बहुत ही यार मुझे अच्छी लगी ये चीज़। और हेडफोन लगा के, मतलब ईयरफोन लगा के, तो भाई साहब और भी हमें फील आ गया कि टिकटॉक का, वाह अलीशा जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, भगवान ने उनको सब कुछ दिया हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन अलीशा, आप बड़े ही क्यूट हैं। सही है यार, तो प्लीज़ सपोर्ट करें गाइस। इंडिया में तो चलो टिकटॉक नहीं है, नेपाल में चल रही है, अगर आप नेपाल से देख रहे हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें अलीशा जी को, उनको फॉलो करें, कमेंट भी करें कि हाय 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 कर, हाय कह देना, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो चलो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, आप बताते रहो सारा कुछ, हम बनाते रहेंगे वीडियो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।